हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत दिनों से मैं बोल रहा था, जब मार्केट 1900-1840 के आसपास था कि मार्केट को यहां से गिरना चाहिए, फिर उसका फर्स्ट टारगेट हमें जो मिला डाउन साइड में 19727 के आसपास, देन 19640, देन 19445 और फिर 19195, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 90,015। तो यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। चलिए एक बार डिस्कशन करते हैं कि आज टेलीग्राम चैनल में क्या क्या बताया था मैंने और मार्केट ने कैसे अप्ले किया। अब जैसे ही देखेंगे, वी आर नॉट होल्डिंग एनी ट्रेड ऑन इंडेक्स बट होल्डिंग सेल ट्रेड ऑन एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, और फिर उसके बाद जो यूट्यूब का लाइव मैंने किया था तो उसमें ट्रेड्स दिए थे। उसके अलावा अभी हमने जो सेल ट्रेड होल्ड किया था वो होल्ड किया था टाटा मोटर्स और L&T में, और उनमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। एक सेकंड रुपये, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से ट्रेड हमने होल्ड करने के लिए देखे थे। अवॉइड ओवरनाइट ट्रेड ऑन इंडेक्स, होल्ड सेल ट्रेड ऑन HDFC बैंक, L&T, एक्सिस बैंक एंड टाटा मोटर्स सेल ट्रेड। तो आज मॉर्निंग में ओपन होते ही प्रीमियम चैनल में मैंने एक ट्रेड दिया था 19315 से लेके 19320 के बीच में सेल करने के लिए कहा था, और जो एसएल था 19380 और फर्स्ट टारगेट था 19195 और फिर 19015। तो अगर देखते हैं कि कैसा प्ले हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट 40 पॉइंट्स हमें प्रॉफिट मिला, मार्केट 19280 के आसपास आया, फिर मार्केट ने वहां से जंप किया, फिर 450 के आसपास तक, 19345 के आसपास तक गया, और फिर वहां से फिर से मार्केट ने रिवर्स किया। तो अब देखेंगे तो, और बैंक निफ्टी के लिए मैंने बोला था कि 43800 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जो वेस्ट लेवल होगा वो सेल ऑन राइज के लिए वो 43650 से लेके 43700 के बीच में था, और डोंट सेल बैंक निफ्टी एट करंट लेवल, इट विल बैक फायर, क्योंकि उस टाइम पर अच्छा जितने भी स्टॉक्स थे बैंक निफ्टी के ऊपर जा रहे थे। फिर उसके बाद देखेंगे तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के लिए मैंने बोला था कि शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, जितने भी न्यूज चले वो शॉर्ट कवरिंग बोल के 19800 से लेके 19300 के आसपास तक ला दिए हैं, और रिटेलर्स को बुरी तरह से ट्रैप किया जा रहा है। आज जब मार्केट ने सेकंड टाइम 19345 के आसपास गया था तो सभी ने बोला था कि ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर ही जाएगा। उस टाइम मैंने मैसेज किया था, तो क्योंकि जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो फंसे ना। अब देखेंगे तो फिर उसके बाद मार्केट कुछ देर बाद ही 9946 के आसपास मैंने बोला था, और फिर 10:53 के आसपास लगभग 11 बजे मार्केट अगर आप देखें तो 19291 के आसपास आया, और जैसे ही आया तो फिर मैंने एक मैसेज किया था कि निफ्टी 195 कमिंग सून, तो 19195 जल्दी आ रहा है और हम सेल ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, और जो हमारा पोजिशनल सेल ट्रेड होल्ड है वो 19830 के आसपास से है। तो प्रॉस उसमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, टॉप से ही हमने सेल किया है। अब देखेंगे, फिर मार्केट ने एक डिप लगाया और 19220 के आसपास तक गए, जहां से हमने सेल किया था 320 से सेल किया था, तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही मार्केट ने 19195 का टारगेट हिट किया और हमें 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, और मैंने उसके बाद मेंशन किया था कि जैसे मंडे को मार्केट ने 19445 ब्रेक किया था, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 19195 आएगा, और जो हमारा सेल ट्रेड कंटिन्यू है वो है 19830 के आसपास। नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारा है 90,015, और एसएल ट्रेड ट्रेल करने के लिए मैंने बोला था 19230। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अब उसके बाद डिप लगाया, 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, और फिर उसके बाद 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, ह्यूज प्रॉफिट हुआ 230 पॉइंट का निफ्टी में,
उसके बाद अगर आप देखें तो बैंक HDFC बैंक ने भी फर्स्ट टारगेट हिट किया जिसमें 28 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और फिर एक्सिस बैंक ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया जिसमें जो पोजिशन ट्रेड हमारा होल्ड था 996 से लेके 997 के बीच में, तो हमें 52 से लेके 54 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो सेल ट्रेड मैंने रिकमेंड किया था 663 से लेके 665 के बीच में, जो एसएल था 678 और फिर जो फर्स्ट टारगेट था यहाँ पर फर्स्ट टारगेट था 649 और फिर 625। ये जो ट्रेड था ये मैंने मंडे को दिया था, अगर आप आज देखेंगे तो 638 और उससे भी नीचे लो बनाया। LNT का भी अगर आप देखेंगे तो LNT भी मैंने सेल ट्रेड दिया था 3015 से और आज जो है 2915 तक आया, तो अप्रॉक्स हमें 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने मार्केट में एक मैसेज किया था क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैप ना हो जाएं, तो मार्केट जब तक निफ्टी 19260 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा और सेल ऑन राइज हमें करना है, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है 19014 और फिर 18856। चलिए डिस्कशन करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। फिफ्टीन मिनट का चार्ट जैसे ओपन है आप देखेंगे तो जो अभी लेवल्स आ रहे हैं वो फर्स्ट टारगेट आ रहा है 19014 और फिर जो सेकंड टारगेट है यहाँ के आसपास आ रहा है 18856 यहाँ के आसपास है, और फिर जो उसके बाद टारगेट है वो ये तो काफ़ी बड़ा टारगेट है 18700 के आसपास, तो यहाँ से भी अभी काफ़ी अच्छे 300-400 पॉइंट्स का प्रॉफिट है मिल सकता है, लेकिन हमें लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। अगर मार्केट जो फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस है जहाँ से हम रिवर्सल को प्ले करते हैं जो फर्स्ट लेवल है 19257 अप्रॉक्स 19270, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम बाई साइड में नहीं जाएंगे और सेल ऑन राइज ही करेंगे। बाई चांस अगर किसी भी रीजन से इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर हम सेल ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, जो हमारा पोजिशनल सेल ट्रेड है, या फिर जो ट्रेड भी लेना चाहते हैं तो हमारा SL इसी के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ओपन होता है 19190 या 80 के आसपास तो फिर हम देखेंगे कि हमारा SL कितना बनता है, टारगेट कितना मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेश ट्रेड लेंगे। तो इस लेवल के ऊपर ब्रेक होने के बाद हम आप साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19392 देन इस लेवल तक आना चाहिए 19625, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर 19680 तक, और इस लेवल के आने के बाद 19620 के आने के बाद हम इसमें सेल सिग्नल आ सकता है, तो वहाँ से हम अपने SL को भी ट्रेल कर लेंगे, और जब तक मार्केट फिर ट्रेलिंग SL को हिट नहीं करेगा तब तक हम उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड के भी टारगेट आपने देख लिए कि कौन कौन से हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देख लेंगे इसमें और अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे इंट्राडे के लिए भी, तो ये टारगेट आपको मिलेंगे 19000 सबसे पहले 19015। इस लेवल के आसपास एक बार मार्केट को रुकना चाहिए, अगर नहीं रुकता है तो फिर 200-300 पॉइंट की और डाउनफॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो अब जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि जब तक 43600 इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें सेल ऑन राइज ही करेंगे, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 44215 देन 45550 तक के लेवल्स ओपन होंगे। तो एक बार जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं है तब तक हम अपसाइड के लिए नहीं प्ले करेंगे, अगर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम अपसाइड के लिए जाएंगे, और लेवल के ब्रेक होते ही मैं टेलीग्राम में भी पिन कर दूंगा कि कौन लेवल ब्रेक हो चुका है और हमें नेक्स्ट टारगेट के लिए बाई करना है या सेल के लिए
किस ट्रेंड में अभी जा रहा है, तो आज हम देख सकते हैं इसमें जो इसने अपना थर्ड टारगेट था जो हमने सेल किया था, वो सेल किया था 45,670 से, देन फर्स्ट टारगेट 45,199, देन 44,180 और देन 42,863, तो इस लेवल तक को हिट किया। आपको अगर जानना है कि कैसे ये ट्रेडिंग ट्रेड सेटअप वर्क करता है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, और उसकी लिंक और मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं। अब जो बड़ा टारगेट ओपन हो रहा है वो हो रहा है 41,925, तो यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे भी जाता है तो फिर और बड़े टारगेट्स मिलेंगे, तो फिर 40,250 तक भी जा सकता है, लेकिन जो फर्स्ट टारगेट है वो भी 41,925, तो यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। और यहाँ से भी अप्रॉक्स ये 900 पॉइंट्स का है, तो मार्केट में काफ़ी वीक सिचुएशन है। फिर निफ्टी का अगर देखेंगे तो फिर निफ्टी जब तक 19,380 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें सेल ट्रेड में ही रहना है, और फर्स्ट ऊपर चला जाता है तो सेल ट्रेड से एग्जिट होकर बाय ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट होगा 19,517 देन 19,815, तो यहाँ तक भी जा सकता है। और डाउन साइड का देखेंगे तो डाउन साइड में जो फर्स्ट टारगेट अभी मिल रहा है वो 18,980 के आसपास, 18,980 से लेके 90,000, यहाँ पर एक बार इसको सपोर्ट लेना चाहिए। तो 250-230 पॉइंट्स का एक डाउन साइड पेंडिंग हो सकता है, वो पेंडिंग है। फिर है लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के। वर्ल्ड मार्केट का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट डेक्स, डेक्स का आप देखेंगे तो डेक्स बाई सिग्नल में है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यूरोपियन मार्केट तो ऊपर जाने की एक बार ट्राई कर रहे हैं। यूएस 30 का देखेंगे डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर नैसडैक, नैसडैक ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया आप देखेंगे तो फिर फर्स्ट टारगेट को हिट किया, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक ये प्रीवियस लो 14,440 के 410 के आसपास इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक ये अपसाइड के ज़्यादा चांसेस हैं। और रिजल्ट्स भी, रिजल्ट्स के ऊपर रिएक्शन दे रहा है। वर्ल्ड मार्केट तो अभी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, इंडियन मार्केट में जो प्रेशर आ रहा है वो वार के कंटिन्यू होने के कारण आ सकता है। और जो रिजल्ट्स भी हैं वो रिजल्ट तो ठीक हैं कंपनियों के, लेकिन जो फर्दर गाइडेंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स ऊपर ही जा रहा है। डॉलर इंडेक्स में कल लाइव, डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें तो कल जब लाइव सेशन मैंने किया था तो वहां पर बताया था कि एम पैटर्न बन रहा है बुलिश एम, आप देखें तो परफेक्ट बुलिश एम पैटर्न यहां से बन रहा था। एक्स बना, फिर ए बना, फिर बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना, तो इसके बाद यहां से इसको ऊपर जाना चाहिए था, तो इसने अच्छा टारगेट हिट किया और अभी ऊपर जा रहा है। तो डॉलर इंडेक्स जब तक ऊपर जाएगा तब तक कमोडिटी मार्केट में प्रॉब्लम रहेगी, गोल्ड सिल्वर डाउन होंगे। चलिए उनका भी चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला था कि जब तक 19,53 या 52 इस लेवल को ब्रेक नहीं करे तब तक ये ऊपर ही रहेगा, और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी तक इस लेवल को ब्रेक नहीं किया इसलिए ऊपर ही धीरे धीरे करके जा रहा है। M6 मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो M6 मार्केट में भी 60,000 इस लेवल को ब्रेक जब तक नहीं करेगा तब तक ये ऊपर जाएगा, तो गैप डाउन भी खुला उसके बाद ये फिर से ऊपर जा रहा है। अगर डाउन होता है तो फिर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो अच्छे बड़े टारगेट समय मिलेगा लगभग 800 पॉइंट्स के। अपसाइड के लिए अगर आप देखेंगे तो अपसाइड जो सबसे बड़ा इसका रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना चाहिए, जो रिसेंट हाई है 61,110 के आसपास, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमें भी इसे फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते हैं। सिल्वर, सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो सेल ट्रेड हमारा एक्टिव है, जैसे ही इसने
23% को हिट किया था, 22.98 के आसपास। उसके बाद सेल ट्रेड है जो फर्स्ट टारगेट है वो 22.45 के आसपास है, तो अभी भी सेल ट्रेड एक्टिव है। आप देखेंगे तो बार बार ये डाउन ही जा रहा है। M6 मार्केट के लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो M6 मार्केट में जो फर्स्ट टारगेट है वो 70,350 के आसपास है, और यहाँ से हमने सेल किया है। सेल तो मैंने ग्रुप में बोला था इस लेवल के आसपास 72,250 से लेके 72,300 के आसपास, तो अच्छा प्रॉफिट अभी ये भी हमें पोजिशनल ट्रेड में है अप्रॉक्स 800 पॉइंट्स का, 700-800 पॉइंट्स का। और लेकिन जो बड़ा टारगेट है वो 70,350 के आसपास है। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर इसमें बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे 67,340 तक के, अप्रॉक्स 3,000 पॉइंट्स का फिर से मिल सकता है। इंट्राडे के लिए अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में यहाँ से इसने एक लेवल को हिट ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को, जिसके बाद हमें बाय करना चाहिए था, तो यहाँ तक गया और फिर से रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो फर्स्ट टारगेट को से हिट करना चाहिए या देन एक बार यहाँ से सेल सिग्नल बनेगा और फिर डाउन जाएगा, क्योंकि जो 15 मिनट का चार्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए 15 मिनट के चार्ट में अगर सेल सिग्नल हमें मिल रहा है तो बाय साइड के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक कर रहे हैं। और जैसे ही हमें सेल सिग्नल मिलेगा तो सेल सिग्नल में फुली क्वांटिटी के साथ हम उसमें एक्टिव कर सकते हैं, या फिर अगर हम रिवर्स ट्रेड ले रहे हैं कि 15 मिनट में सेल है और 5 मिनट में बाई आ रहा है, तो अगर बाई आता है तो हमें छोटे छोटे प्रॉफिट से मिलेंगे क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, तो आपको स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए जाना है तो बाई कर सकते हैं। नहीं तो जब तक दोनों में कन्फर्मेशन ना आ जाए कि बाई है, 1 आवर में बाई आ जाए, 30 मिनट्स में बाई आ जाए, 15 मिनट्स में, तो फिर हम 5 मिनट या 3 मिनट में बाई ट्रेड ले सकते हैं। अगर सेल है तो सेल ही ट्रेड लेंगे। फिर है गोल्ड सिल्वर, उसके बाद क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था जब उस दिन यहां पर था मार्केट 86.6 के आसपास, तब मैंने ग्रुप में भी बोला था यहाँ से अभी हम और सेल करेंगे। और अगर आप देखेंगे 15 मिनट का 1 मिनट चार्ट में लगाता हूँ, हाँ तो यहाँ पर जब ब्रेक हुआ था तो मैंने बोला था कि अच्छा प्रॉफिट होगा और जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलना चाहिए 82.6 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे तो 82.7 से ही रिवर्स हुआ, तो 8-10 पॉइंट्स पहले से ही रिवर्स हुआ, तो अप्रॉक्स 250 से लेके 260 पॉइंट्स का हमें M6 में बेनिफिट हुआ, और 3.8 से लेके $3.6 तक का हमें प्रॉफिट हुआ WTI में। अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, जब तक 84.35 को ब्रेक नहीं करता तब तक ये सेल ऑन राइज जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर और सस्टेन करेगा 10-15 मिनट ट्रेड करके, तो फिर फर्स्ट टारगेट होगा 85.5 देन 88.12। तो एक बार इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए, अभी यहाँ पर सेल नहीं बन रहा है क्योंकि बार बार डाउन साइड से ब्रेकआउट ले रहा है, और स्मॉल में देखेंगे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, तो 5 मिनट में भी सेम सिचुएशन है, तो इसको लिए इसको अभी सेल नहीं करना चाहिए और अभी बाई बन रहा है तो एक बार अवॉइड कर सकते हैं। M6 में देखेंगे तो M6 में भी सेम चार्ट ही है, तो जब तक ये 70448 या फिर 7050 के ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से बुलिश एक छोटे छोटे पैटर्न बन रहे हैं तो हमें सेल भी नहीं करना है, तो अभी नो ट्रेड जोन के रूप में है। अगर ये रिसेंट लो को ब्रेक कर देगा तब हम इसमें सेल एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि अभी इसका चार्ट पैटर्न थोड़ा सा बुलिश बन रहे हैं, और लेवल को अगर ब्रेक करता तो फिर हमारे जो फर्स्ट टारगेट होगा 7157 फिर 7393, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो एक बार इसमें ब्रेक होने का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। कॉपर में जो कॉमेक्स का चार्ट है वो बुलिश था, अगर आप देखेंगे तो आज चाइना से भी अच्छी न्यूज आई, और चाइना से न्यूज आने के बाद कॉपर अप्रॉक्स गैप अप ओपन हुआ, और इस लेवल के बाद अगर आप देखेंगे तो 699 इस लेवल के बाद जो फर्स्ट टारगेट किसी ने बाय किया होता तो उसको फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, और फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो जब तक अभी 70
टू इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम अभी बाय ट्रेड में रह सकते हैं या फिर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा तो हमें बाय ट्रेड से एग्जिट हो जाना पड़ेगा और फिर हम सेल ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं जो फर्स्ट टारगेट होगा फिर से वही 699.4 और फिर 693 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद जिंक भी गैप अप ओपन होगा और ये ऊपर ही जा रहा है तो अगर किसी के पास बाई ट्रेड है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 221 के आसपास से बाई सिग्नल एक्टिवेट हुआ और इसी के जस्ट ऊपर ओपन हुआ और जो फर्स्ट टारगेट है 223.7 देन 229 तो यहाँ तक के टारगेट है क्योंकि अभी एक रिट्रेसमेंट है डाउनफॉल के बाद तो रिट्रेसमेंट में हमें बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता है तो आप फर्स्ट टारगेट के आसपास 223.7 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो फिर जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी कि आप एसएल को ट्रेल करते रहिए और जब तक ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता तब तक आप बाय ट्रेड में रहिए या फिर ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद आप सेल ट्रेड फेस एक्टिवेट कर सकते हैं। नेचुरल गैस जब यहां पर था 663 से लेकर 664 के बीच में आप प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं तब मैंने बोला था कि नेचुरल गैस को डाउन जाना चाहिए और यहाँ से लेकर 240 से लेकर 234 तक सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा तो मार्केट ने एग्जैक्टली 238 के आसपास तक डाउनफॉल किया तो अगर हमने सेल भी किया होता तो अच्छे प्रॉफिट हुए अप्रॉक्स 26 पॉइंट के। और फिर अगर आप देखेंगे यहाँ से एक बॉटम बना के ऊपर जा रहा है तो मार्केट जैसे ही 250 के लेवल को ब्रेक करेगा तो इसमें शार्प अप मूव आ सकता है और जो फर्स्ट टारगेट होगा 258.9 और देन 278 तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस में भी अभी एकदम सपोर्ट एरिया से ये बाउंस हुआ है तो यहाँ से ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं तो अवॉइड करना है सेल। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें तो 5 मिनट के चार्ट में बाय ट्रेड एक्टिवेट हो गया होगा ये देखिए और इसने फर्स्ट टारगेट भी हिट कर दिया 244 के ऊपर बाय ट्रेड एक्टिवेट हो गया और इसने 248 को हिट किया। अगर आप अभी देखेंगे तो मार्केट जब तक अभी इस लेवल के 247 के नीचे नहीं जाता तब तक हम इसमें बाय ट्रेड में ही रहेंगे और यहाँ से अगर नीचे जाता तो फिर सेल ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करिएगा। थैंक यू।